So, चलिए आज डिस्कस करते हैं बर्च रिडक्शन एंड ऑल ब्लैंक रिडक्शन देखिए बर्च रिडक्शन आपने पढ़ा होगा कि सोडियम इन द दे देंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ ये करवाया जाता है तो ये दो काम के लिए आता है एक तो आप ट्रिपल बॉन्ड में एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं दूसरा आप एरोमेटिक कंपाउंड की पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं मतलब आउट ऑफ थ्री डबल बॉन्ड सिर्फ एक डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस होता है बाकी दो डबल बॉन्ड रहते हैं और वो कैसे रहते हैं बिल्कुल आमने सामने वाले ठीक है मतलब कॉन्जुकेटेडेडेड नहीं रहते वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रहते हैं तो जैसे विल बी रिड्यूस्ड लीविंग अदर टू इन द आइसोलेटेड फॉर्म कॉन्जुकेटेडेडेड नहीं होंगे और दूसरा एंटी एडिशन ऑफ एच टू ट्रिपल बॉन्ड देखिए एल्काइन है एल्काइन को से ट्रीट करने पे दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे लगते हैं तो एंटी एडिशन यहाँ पे होती है अब बच रिडक्शन में इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप मोनो सब्सिट्यूशन करवाते हैं मतलब एरोमेटिक में अगर उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन से डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे कौन से नहीं होंगे तो ये याद रख सकते हैं आप इसमें एक चीज कि जो डोनेटिंग ग्रुप होता है आपका बेंजीन के ऊपर जब भी डोनेटिंग ग्रुप लगा हो उसके साथ वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होगा मतलब वो तो टिकेगा और वो टिकेगा तो उसके सामने वाला एक और उसके बिल्कुल पैरल एक और डबल बॉन्ड आएगा राइट तो यहां पर आपने वर्च रिडक्शन की तो ये वाला डबल बॉन्ड टिका और उसके पैरल एक और डबल बॉन्ड रह गया फाइन जब एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उसके साथ वाला जो डबल बॉन्ड होता है वो हमेशा जाता है वो नहीं रहेगा तो मतलब ये जाएगा तो इसके नेक्स्ट वाली पोजीशन डबल बॉन्ड होगा और एक उसके सामने आएगा। तो मतलब रिड्यूस हो, तो हो जाता है जैसे कि यहां पर ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये बेंजीन के साथ कॉन्जुकेशन में है तो जब आप इसकी बर्च रिडक्शन करेंगे तो बेंजीन में तो रिडक्शन होगी हो बट क्योंकि ये बाहर का जो डबल बॉन्ड था ये कॉन्जुगेटेड था तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा तो दैट इज बर्च रिडक्शन अब नेक्स्ट देखते हैं बुवीअल्ट प्लैंक रिडक्शन देखिए इसको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करवाते हैं तो ये अल्डीहाइड एस्टर कीटोन तीनों को रिड्यूस कर देता है तो अल्डीहाइड को तो सिंपल है वन डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा एस्टर को ये ब्रेक करता है ठीक है दो अल्कोहल देता है एक आर सी एच टू ओ एच और ये जो ओ आर है इसके कोरोस्पॉग एक आर डैश ओ एच अलग से बनाएगा और कीटोन को ये टू डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है तो दैट इज सिंपल बुवियल्ट प्लैंक रिडक्शन तो थैंक यू अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना ठीक है चलिए थैंक यू बाय